पंजाब में हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क्यादत के दरमियान राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा दिया है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पंजाब हुकूमत का जब खात्मा हुआ है मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत कायम थी पंजाब में, उसके खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, उनका और मुस्लिम लीग नून की क्यादत के दरमियान एक राबता हुआ है। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि नून लीग के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा दिया है। औरंगजेब काकड़ से मजीद तफसीलात लेंगे। औरंगजेब, क्या गुफ्तगू हुई मजीद? जी, मुल्की जो है बदलती सियासी सूरतेहाल और पंजाब हुकूमत के खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क्यादत के दरमियान जो है वो एक राबता हुआ है। ज़रा कहना है कि पंजाब हुकूमत के खात्मे के बाद पैदा होने वाली सूरतेहाल और मुल्की मजमू सियासी सूरतेहाल पर जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके में जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा दे दिया है, जबकि इस हवाले से नवाज शरीफ ने जो है जो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है उनके मशवरे सुने और जो पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो हिदायत भी दी। इस मौके पर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की हिदायत दी कि जो है पार्टी को निचली सतह तक जो है वो फाल किया जाए, कारकुनों को फाल किया जाए, ताकि एक बार फिर जो है वो पार्टी की जो गिरती हुई साख है उसे दोबारा बहाल किया जाए। जबकि रबते के दौरान मुस्लिम नून के वज़रा की कारकर्दगी पर भी जो है वो बातचीत हुई। औरंगजेब काकड़ हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।